राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया GRPRPF व रेलवे सफाई कर्मियों का अभिनंदन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में बरेली सिटी स्टेशन पर GRPF, RPF और रेलवे सफाई कर्मियों को पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन महानगर कार्यवाह हरीश कश्यप के नेतृत्व में उचित दूरी बनाकर किया गया। हरीश कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रही है। आज हमने इन सभी को सम्मानित कर उन सभी का उत्साहवर्धन किया और कहा कि आज हमें सुरक्षित रखने के लिए पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर कोरोना फाइटर्स का सम्मान के साथ जरूरतमंद लोगों को सुबह शाम भोजन तथा कच्चे राशन का भी वितरण किया जा रहा है। अमरीश कठेरिया एडवोकेट ने कहा कि हम सभी स्वयंसेवक महानगर कार्यवाह हरीश कश्यप के नेतृत्व में कोरोना फाइटर्स का निरंतर सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार रेल यात्रा पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन रेलवे कर्मी अपने कार्य का निर्वहन निरंतर कर रहे हैं, जो अतुलनीय है, और कहा कि हम सभी को शासन और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए तथा निरंतर कोरोना फाइटर्स का उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। सभी RPF, GRP तथा सफाई कर्मी ने इस सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर हरीश कश्यप के साथ अमरीश कठेरिया एडवोकेट, अमित कश्यप श्याम, प्रदीप रस्तोगी, विशाल गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, विजय प्रेमी, हरवंश सेठी, पंकज आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कश्यप है। आज आपने सिटी पर ये क्या कार्यक्रम किया है बताएंगे? ये अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो पूरे देश के अंदर काम करता है। समाज के बीच में जब कभी कोई आपदा अथवा कोई परेशानी इस प्रकार की आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे पहले आगे खड़ा पाया जाता है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अपना मजदूर दिवस आज है और इसी विषय में हमने पूरी बरेली के अंदर अपने जो पुलिस भाई हैं सभी, उन लोगों ने बड़ा दिल से आज पूरी बरेली में हमारा सहयोग करा। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता ऐसी जो बस्तियां हैं बरेली के अंदर जहां लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर हमने उनको भोजन पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करी है। और जिन लोगों के परिवार में भोजन की व्यवस्था नहीं है अथवा जिनके सरकार द्वारा राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं और ऐसे लोगों को, और अथवा जिनके राशन कार्ड बने हुए भी हैं, उन लोगों को लगभग करीबन 15 दिन का राशन हमने बरेली के अंदर सभी परिवारों में पहुंचाने का अपना काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से पूरी बरेली के विभाग के अंदर 70,000 ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ हमने भोजन को पहुँचाने की ऐसी व्यवस्था की है। लेकिन इस काम में सबसे बड़ा सहयोग पुलिस प्रशासन का हमारे साथ में रहा कि पूरी बरेली के अंदर हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता हैं वो इस पूरी बरेली के किसी भी कोने में कहीं भी अगर राशन के लिए अगर गए हैं देने के लिए या भोजन पहुंचाने के लिए तो उनको कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई और पुलिस कर्मियों ने उसका स्वागत किया। साथ साथ में जो पुलिस कर्मी आज रात और दिन कहीं ना कहीं अपने सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण धीमान, SOGRP बरेली सिटी। आप लोगों ने जो हमारा सम्मान किया है उससे हमें भी अच्छा अनुभव होता है और काम करने की और उत्तेजना पैदा होती है कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारा इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। सब पालन करें और जो मान्य हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन किया गया उनके आदेश निर्देशों का पालन किया जाए और सब डिस्टेंस का दूरी बना के रहे। मेरा नाम अमरीश कठेरिया एडवोकेट है। मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर मंत्री
और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ माधव नगर संघ आज मजदूर दिवस पर सभी ने मिलकर बरेली सिटी स्टेशन आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों तथा यहाँ पे सफाई कर्मी का स्वागत किया। स्वागत करने का नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कारवा आदरणीय श्री हरीश जी के माध्यम से किया गया और आज का ये मजदूर दिवस हम लोगों ने इस प्रकार मनाया। हम सभी आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग जो जरूरतमंद हैं उनकी सहायता करें और हमारे पुलिस प्रशासन का सम्मान करें। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रदेश मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी ने भी आज एक आह्वान किया है कि जितने भी लोग हमारे अन्य प्रदेशों में हैं उनके लिए बसें भेजी जा रही है और उनको बुलाया जा रहा है। मजदूर दिवस पर ये हमारे जो मजदूर लोग बाहर काम कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। भारतीय जनता पार्टी की पहल को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।